अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फिर दोबारा जैक्सन मार्केट में आए हैं। यहाँ सामने आप देखेंगे ये जैक्सन स्कूल है, जैक्सन मार्केट के अंदर ये स्कूल है जैक्सन के नाम से। इसके नीचे ही मार्केट है साउंड सिस्टम का, तो बहुत सारे दोस्तों ने बोला था साउंड सिस्टम के ऊपर भी आप वीडियो बनाएं। तो आज हम आए हैं इस मार्केट में आपको आपके लिए साउंड सिस्टम के लिए वीडियो बनाने के लिए। ये आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे साउंड सिस्टम वगैरह पड़े हुए हैं। तो एक दुकानदार से हमने बात भी कर ली है कि उनसे हम इंटरव्यू लेंगे, तो उन्होंने एक कहा है ठीक है आप आ जाएं इंटरव्यू ले लें, तो उसके पास जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आपको जो है ना ये मार्केट दिखा रहे हैं पहले, ताकि आप देख लें मार्केट है पूरा। आप फिर पूरे मार्केट में ले सकते हैं, कहीं से कोई चीज़ कहीं से भी खरीद सकते हैं। लेकिन चूँकि एंट्री हम सबसे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सबसे बात करनी होती है, तो इस वजह से हम एक बंदे से ही बात की है। वो हम आपको उनसे इंटरव्यू लेंगे, अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि मार्केट में क्या प्राइसेज है। ये यहाँ पे एलसीडी वगैरह भी हैं, ये आप देखें ये साउंड सिस्टम पूरे पड़े हुए हैं, पूरा मार्केट है। ये साउंड सिस्टम है, इन भाई से ट्राई करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है सर? ठीक ठाक सर, हम ये वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब के लिए साउंड सिस्टम के ऊपर, तो हम आपके पास आए हैं। तो पहले तो हम आपसे तारुफ करवाना चाहेंगे, आपका नाम क्या है सर? जी मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं इस दुकान का ओनर हूँ। सही है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है दोस्त। सही है, और ये सिस्टम आते हैं सर, ये वीडियो सिस्टम नहीं होते, लेकिन इसमें साउंड सिस्टम होता है। ये आप टीवी के साथ अटैच कर सकते हो, कंप्यूटर के साथ कर सकते हो। इसकी आप अगर नेट पे सर्च करोगे इसके रेट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम यहाँ पे मतलब कम रेट पे बेचते हैं, साउंड क्वालिटी भी अच्छी होती है इनकी। सही, ये कंपनी के हिसाब से बताएंगे कि ये कौन सी कंपनी की है? और इसमें यामा के होते हैं, ओनक्यो के होते हैं, कैनवुड के होते हैं, मरांस के होते हैं, सोनी के होते हैं, लेकिन ओरिजिनल होते हैं, इसमें कोई वो चाइना वगैरह का आइटम नहीं है। अच्छा, ये सारे जापान से आते हैं। जापान से आते हैं, यूज्ड होते हैं यहाँ पे? जी जी, यूज होते हैं। अच्छा, तो आप हमें प्राइस बताएंगे कि कौन से कंपनी की कौन सी प्राइस है, जैसे एक एक आइटम का आप अगर हमें? सर, इसमें मुख्तलिफ प्राइस है, अब जैसे इसके वॉट्स के मुताबिक होता है। अगर इसके वॉट्स ज्यादा है, जैसे अब ये एम्पलीफायर इसके वॉट्स ज्यादा है, ये 5,000-7,000 का मिलता है। अगर वॉट्स कम होंगे तो उसके रेट भी कम होंगे। मतलब जैसे अब छोटा एम्पलीफायर होता है वो 3,000-4,000 का होता है, 3,000-4,000। अगर बड़ा एम्पलीफायर होता है तो उसके रेट थोड़े से ज्यादा, क्योंकि हमें पीछे से भी रेट यही मिलता है। हाँ, इसी हिसाब से बताए ना, सपोज आपके पास एक ये कितने वाट का है मिसाल? ये 120 वाट का है। 120 वाट का है, तो ये 120 वाट का है ओनक्यो जी। ओनक्यो ये कितने का है? ये 3,500। 3,500 रुपए का है। सही, इसी तरीके से बताएं आप। परचेज करना पड़ता है 2,500 का। यहाँ पे हम अगर मैकेनिक का वो लगाते हैं तो हमें इसमें 400-500 रुपए मिल जाते हैं, वो भी इस वजह से कि हम लोग जो है ना इनकी जो ना कोई वारंटी नहीं आती। अच्छा, लेकिन अगर कोई कस्टमर आता है तो हम उससे कोऑपरेट करते हैं। सही, ये नहीं कि उनको कहते हैं कि यार इसकी कोई वारंटी नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता। वजह सिर्फ ये होती है कि ये अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आसानी से रिपेयर हो जाते हैं। अच्छा, तो बाकी मॉडल्स का भी वाट के साथ उनकी प्राइस बता दे तो मेहरबानी होगी। बाकी मॉडल में ये है, ये इनमें छोटे एम्पलीफायर है। सही है, ये डेनन, स्ट्राइसर, एलोडी, कैनवुड, और ये छोटे मॉडल है। सही है, ये मतलब 3,500 से लेके 4,000 तक के सिस्टम। सही, इसमें मतलब ये स्पीकर लगते हैं, स्पीकर की जोड़ी यहाँ पे पड़ती है 5,500-6,000 की। सही, ये वहाँ से आते हैं ना, तो मतलब रेट में हमें यही पड़ता है। ये भी बाहर के स्पीकर होते हैं? सारे बाहर के। ये कौन से कंपनी के स्पीकर होते हैं? ये विक्टर के हैं, जेवीसी विक्टर। ये जेवीसी विक्टर के हैं जी। ये कितने की जोड़ी होती है? 5.5 की 6 की। 5.5-6 की। और नीचे ये केनवुड की पड़ी हुई है? केनवुड के, ये भी इस रेट के हैं, ये 8 इंच में होते हैं। 10 इंच में ये होते हैं, ये ज्यादा रेट के होते हैं। ये कौन से कंपनी का है? ये ओनक्यो, ये पैनासोनिक है। ये पैनासोनिक, ये पायनियर है। इनका क्या क्या प्राइस है? इनमें ये जोड़ी आपको पड़ेगी 8,500-9,000 की, मतलब यही रेट होते हैं 8,500-9,000 मार्केट में जो रेट होते हैं ना वहाँ पे हम लोग फिर। अच्छा, सही है जी। तो यहाँ पे मार्केट में कम से कम कितने से स्टार्ट होता है अगर पूरा एम्पलीफायर और ये सेट पूरा अगर लेना चाहिए? बड़ा सेट लोगे तो वो आपको मतलब पूरा सेट 14,500-15,000 का मिल जाएगा। सही है, छोटा सेट होगा तो वो आपको 10,500-9,500 का, ये
रेंज होती है। सही। अच्छा, अगर टीवी वगैरह के लिए लेना खाली, फिर तो एम्पलीफायर की जरूरत नहीं पड़ती होगी मेरे ख्याल। अगर टीवी वगैरह के लिए लेना है तो फिर एम्पलीफायर की जरूरत लाजमी पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि टीवी की आवाज आपने बढ़ानी है तो उसके साथ एम लाजमी लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक तो चाइना के आते हैं जो स्पीकर के अंदर सब कुछ होता है, तो उसकी लीड आप लगाते हो तो उसी स्पीकर में आवाज आती है। अच्छा, लेकिन वो फिर इतना साउंड नहीं होगा, उसकी साउंड क्वालिटी कम होगी। अच्छा, उसकी रीसेल भी नहीं होती, अगर आप वापस भी बेचने हो तो उसकी रीसेल नहीं होती। रीसेल अच्छी होती है, इसके पार्ट्स मिलते हैं, ये बेचने में जो ना कोई टेंशन नहीं होती, आप बेच सकते हो। अच्छा, ये आप शादी ब्याह वगैरह के लिए, घर के लिए ये चीजें, गाड़ी गाड़ी वगैरह के लिए नहीं है? के लिए हमारे पास। अच्छा, वो दूसरे मार्केट, दूसरे साइड है मार्केट के, दूसरे दुकान। ठीक है, थैंक यू सर। आप अपना अगर कार्ड दिखा दें, फोन नंबर वगैरह, तो अगर कोई आपसे खरीदना चाहे। अच्छा, आप होम डिलीवरी वगैरह भी करते हैं? जी जी, बिल्कुल करते हैं। ये भाई का कार्ड है, अल यूसुफ जैतून इलेक्ट्रॉनिक्स। ये फोन नंबर भी इसके ऊपर दिया हुआ है, ये आपके पास फोन नंबर आ रहा होगा, आप इनसे कांटेक्ट करके और होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं भाई से। वो भाई बहुत कोऑपरेटिव है, और हो सकता है वीडियो का आप इनको रेफरेंस देंगे तो हो सकता है थोड़ा डिस्काउंट भी कर ले आपसे। थैंक यू सर।